वेलकम बैक फ्रेंड्स तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोर पीस तो देखिए मैंने ये ना एम डी एफ ले लिए हैं राउंड शेप्स और स्क्वायर शेप्स तो ये फोर इंचेस के हैं और हम ले लेंगे कुछ अपने मिरर्स जो भी शेप के आपके पास हो डिज़ाइंस करने के लिए तो मेरे पास अभी ये बहुत सारे शेप्स के हैं मैं ये राउंड मिरर ले लूंगी और उसको एकदम सेंटर पर मैंने इसको ग्लू से स्टिक कर दिया है फिर हम लेंगे कुछ ड्रॉप्स मिरर ड्रॉप्स और उसको हम इस सर इस मिरर के चारों तरफ सर्कल में लगा देंगे वन बाय वन आप ग्लू लगाएंगे और उसको स्टिक कर देंगे फिर हम इसके बाद अपनी सेकेंड लेयर जो है वो करेंगे तो देखिए हमारा इस तरीके से हमने बना लिया है इसको स्टिक कर लिया है अब सेकेंड लेयर के लिए हम ड्रॉप ही लेंगे थोड़ा सा बड़ा साइज का और इसको भी वन बाय वन हम लगा लेंगे तो मेरे पास कौन ग्लू था ना मैंने ये यूज़ कर लिया थोड़ा सा मैनेजेबल लग रहा था यूज़ करने में इसलिए मैंने ये ले लिया था तो देखिए वन बाय वन हम इस सर्कल को भी कंप्लीट कर देंगे अब देखिए आपको लगता है कि मेरे पास एम डी एफ बोर्ड्स तो नहीं है तो मैं कैसे बनाऊँ आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड हो थोड़ा थिक साइज़ का जो हो जिसकी थिकनेस अच्छी हो आप वो कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं उसकी कटिंग ले सकते हैं फोर इंचेस आप लेके दोनों को स्क्वायर शेप और राउंड शेप में कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए हमने ना अपना सेकेंड लेयर भी कंप्लीट कर दिया और फाइनल लेयर जो हमारी रहेगी उसके लिए मैं ये ट्राइंगल शेप्स यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैंने पहले से एक डॉट डॉट लगा के और उसके ऊपर ईजिली हम इसको फास्ट फास्ट स्टिक कर देंगे तो मेरी जब ये लेयर पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पीस रेडी करेंगे और फिर मैं आपको इसमें बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अब हमारी ये लेयर भी कंप्लीट हो गई है इसको हम रख देंगे ड्राई होने के लिए और तब तक हम अपना सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं तो सेकंड पार्ट के लिए देखिए मैं ये बोर्ड ले लूँगी एम स्क्वायर बोर्ड और इसको यूज़ करूंगी तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके पास एम डी बोर्ड्स नहीं है तो आप थिक्कट बोर्ड यूज़ कर लें ठीक है और सेकंड अगर आपके पास मिरर्स भी नहीं है तो आपके पास अगर कोई ओल्ड सीडी पड़ी है जो थोड़ा सिल्वर शाइनिंग में होती हैं तो आप उसको भी कट करके डिजाइंस बना सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम डिज़ाइन करना इसमें आप उस सीडी का भी यूज़ कर सकते हैं एंड टिप नंबर टू आप जब भी ग्लू का यूज करें तो आप पतला ग्लू ना यूज़ करें थोड़ा थिक ग्लू यूज़ करें उससे ये होता है ना कि आपको ज्यादा ग्लू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप थोड़ा सा भी ग्लू लेंगे जैसे मैं देखिए थोड़े थोड़े डॉट ले रही हूं इतने में ही मेरे जो मिरर्स हैं ना बहुत अच्छे से स्टिक हो रहे हैं और ये टाइम भी ज़्यादा नहीं लेंगे तो आपका जो प्रोसेस है बनाने का वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगा इसलिए आप जो ग्लू यूज करें उसको थिक यूज़ करें तो चलिए हम अपने आइटम की तरफ चलते हैं तो हमारा जो ये पीस है इसमें हमारी एक लेयर कंप्लीट हो गई है अब मैं डायमंड शेप के मिरर ले ली हैं और इसको मैं एक बीच में एक फ्लावर बनाने जा रही हूँ और आप ना जब भी ये डिज़ाइन करें क्योंकि हम लिपन आर्ट हम ये बना रहे हैं लिपन आर्ट का हम ये यूज कर रहे हैं तो जब भी आप ये यूज करें ना इसमें आप थोड़ा सा खुला डिज़ाइन ही बनाएं क्योंकि वो फिर ज़्यादा प्रटी लगता है तो हमारा देखिए ये भी रेडी हो गया है और हमारे दो पीस रेडी हो गए इस तरीके से हम अपने बाकी जो हमारे एम डी एफ बोर्ड्स रह गए हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए ये मैंने इस तरीके से बना दिए हैं अपने ये तीन मैंने सर्कल बनाए हैं और चार स्क्वायर शेप को मैंने डिज़ाइन दे दिया है और अब हम क्या करेंगे हमारे पास ये क्राफ्ट वाइट सीमेंट पड़ा है या जिसको वाइट सीमेंट हम नॉर्मली बोलते हैं ये किसी भी शॉप में मिल जाता है मैंने ये क्राफ्ट शॉप से लिया था बट आप इसको नॉर्मल हार्डवेयर वगैरह की शॉप से भी ले सकते हैं तो देखिए मैंने थोड़ा सा अभी लिया है और थोड़ा ही इनफ है आप ऐसा ना सोचें कि बहुत ज्यादा है हमारे पास पीसेस तो हम ज़्यादा कर दें सो दिस इज माई थर्ड टिप कि आप व्हाइट सीमेंट जब यूज़ करें तो उसको थोड़ी ही क्वांटिटी में लें क्योंकि एक बार ये ड्राई हो गया तो फिर किसी यूज़ में नहीं होगा तो इसमें अब मैं क्या करूँगी लेमन कलर मैं मिला रही हूँ येलो कलर और जब इसमें मिलेगा तो थोड़ा सा लेमन कलर बन जाएगा तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा ही आपको पानी डालना है इसकी थिकनेस आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है बहुत और बहुत कम भी नहीं रखनी है क्योंकि लिक्विडी फॉर्म में अगर हम इसको करेंगे तो हमारा अच्छे से जो हमारा वर्क पीस है वो बन नहीं पाएगा तो आपको इतना रखना है कि ये ईजिली बहे ना ठीक है तो देखिए और थोड़ा सा जब आप इसको होल्ड पे रखेंगे तो सूखने भी लगता है अब मैं इसे थोड़ा सा ले रही हूँ और इस तरीके से मैं अपने आर्ट पीस के ऊपर रख दूंगी ये प्रोसेस आप तभी करेंगे जब आपके मिरर्स जो हैं अच्छे से स्टिक हो जाएंगे वो अपने प्लेस से नहीं हिल रहेंगे तब आप ये करेंगे तो देखिए मेरे प, आपके पास कोई कार्ड है या फिर मेरे पास तो स्केल था अगर आपके पास कोई खराब कार्ड है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसके बाद इस तरीके से आप जो भी आपके पास कार्ड है या स्केल है आप आराम से इसको फैलाएंगे और धीरे धीरे जो भी आपका एक्सेस जो सीमेंट है निकलता जाएगा वो आप धीरे धीरे हटा के वापस अपने उस जो भी बोल है आपका कंटेनर है उसमें आप रखते जाएंगे बहुत ज़्यादा भी नहीं हटाना है इतना हटाना है कि आपकी लेयर जो ऊपर की है ना वो दिखने लगे पूरी कवर नहीं कर दिए और उसको फिर हम साइड में ड्राई होने के लिए रख देंगे इसी तरीके से हम सारी लेयर रेडी कर लेते हैं तो देखिए मेरी सारी लेयर रेडी हो गई है और ये ड्राई भी हो गई है तो टिप नंबर फोर कि जब ये लेयर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए एक मिड वे में हो कि जब आप इसको हल्का सा सीमेंट को प्रेस करें ना तो वो छूट रहा हो और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपका पूरा सीमेंट हट जाएगा बस इतना कि जब आप उसको हल्का सा ऐसे अपनी फिंगर उसके ऊपर घुमाएं तो वो निकल रहा हो तो उस केस में हम अपना कोई भी रफ़ क्लोथ लेंगे और अपने मिरर के ऊपर से इस तरीके से धीरे धीरे निकाल देंगे इसमें आपको कोई पानी वानी की जरूरत नहीं है तो निकाल के रेडी करते हैं तो देखिए मैंने ये सारे अपने मिरर के ऊपर से वाइट सीमेंट हटा दिया और इस तरीके से हमारे ये सारे पीस रेडी हो गए हैं अब हम अपने ये कुछ स्कीवर्स लेंगे अगर आपके पास ये नहीं है तो सीख झाड़ू होता है ना उसकी जो मोटी स्टिक्स है आप वो भी ले सकते हैं उसके ऊपर ये गोल्डन पेंट मेरे पास है मैं इसको स्प्रे करके ड्राई करके आपको फिर दिखाती हूँ तो देखिए हमारे ड्राई हो गए हैं अच्छे से पेंट हमने कर लिया है इस तरीके से पेपर के ऊपर रख के अब हमें अपने सेम डिजाइन के दो सर्कल लेंगे उसका बैक साइड देखेंगे और उसको ना एकदम मिड मिड में उसकी स्केल रख के हम इस तरीके से देखिए मैं ये मार्किंग दे रही हूँ इस तरीके से हम इसको मार्किंग दे देंगे मिड कि हमें पता चल जाए इसका एकदम सेंटर है ठीक है और इस सेंटर के हाफ पार्टीशन में हम अपने जो हमने स्कीवर्स जो पेंट किए हैं उसको इस ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे तो कुछ साइज़ मैंने लंबे रखे थे और कुछ साइज़ मैंने छोटे किए थे तो देखिए ये लंबा वाला साइज़ है इसके स्टार्टिंग में मैं ये लंबा वाला लगा रही हूँ और एंड में भी मैं एक लंबा वाला लगा दूंगी ताकि हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता चल जाए तो इस तरीके और आप ना इसमें ग्लू गन का यूज़ करें ये बहुत फास्ट होगा आपका काम अगर आप ग्लू गन का यूज़ करेंगे तो और देखिए ये कुछ मैंने स्कीवर्स ना बीच में से तोड़ दिए थे हाफ ऑफ कर दिए थे और मैं कुछ को अब ऐसे सेंटर में लगाऊंगी पांच छोटे वाले लगाऊंगी फिर एक बड़ा लगाऊंगी फिर एक पांच फिर एक बड़ा इस तरीके से हम पूरा अपना जो ये सर्कल है ना इसको रेडी कर लेंगे कंप्लीट सर्कल नहीं हाफ सर्कल रेडी करेंगे तो जब हमारा ये रेडी हो जाएगा देखिए इस तरीके से ये दिखेगा हमारा एक बड़ा और बाकी पांच छोटे तो ये हम पूरा सर्कल देखिए हमने ये सेमी सर्कल कंप्लीट कर लिया इसी तरीके से हम अपना जो सेकंड वाला है वो भी कर लेंगे ये हमारे दो हमारे रेडी हो गए हैं बस हमें दो में ही ये करना है हाफ हाफ इसके बाद हमारे पास ये कुछ लोटस पड़े थे अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे कोई भी कार्डबोर्ड की कटिंग करके अपने मर्जी से डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं तो मैंने ये ऐसे करा और उसमें मैंने वाइट पॉल जो है वो लगा दिए सिक्स तो मैं फ़ाइनल पीस अब आपको दिखाती हूँ